आज होने वाली है इस घर की बर्बादी, जल्दी से दे दो हमें इस घर की चाबी। पहले हमारे हिस्से का पैसा तो दो। ट्रक में रखे हैं तुम्हारे सारे पैसे, अमीर बन जाओगे तुम हमारे जैसे। अंजनी, 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 मम्मी, मम्मी, पापा। तीनों को तो हमने नरक पहुंचा दिया है, बचाए कोई और भी बिट्टन? उसने बोला था एक बुड्ढा है घर में, वही बचाया चुट्टन। बुड्ढे को तो हम ये चुटकी में नरक पहुंचा देंगे, सारा पैसा सारा सोना ये झटके को उड़ा देंगे। बचा है इस घर में अगर कोई भी बंदा तो उसके लिए भी है हमारे पास गले का फंदा। तू भी है बाहर आ जा वरना बहुत पछताएगा। पछताएगा कैसे, बुड्ढा तो सीधे ऊपर जाएगा। आ जा अंकल, कोई नहीं आओ। क्राइम करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। यह गिरोह देश भर में घूम घूम कर वारदात को अंजाम देता है। आज तक हमें सुराग के नाम पर सिर्फ लाशें और खून मिला है। आखिरी किलिंग आगरा में हुई थी, उससे पहले मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली और उसके आसपास के इलाके, गुरुग्राम में भी ऐसी अपराधी घटनाएं होती रही है। सबसे ज्यादा वारदातें उत्तर प्रदेश में हुई है। डीएसपी साहब, कब रुकेंगी ये डकैतियां, कब खत्म होगा ये खून खराबा? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। कितनी बार कोशिश कर चुके हैं आप, पर रिजल्ट क्या है? शून्य। मगर इस बार हमारी कोशिश अंजाम तक पहुंचेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस केस को सॉल्व करने के लिए हमने एक स्पेशल टीम बनाई है। We'll be right back.
जिस पे हमने चुनिंदा ऑफिसर्स को सिलेक्ट किया है। हाँ मुझे पता है, पर वो ऑफिसर्स हैं कहाँ? बस सर, आते ही होंगे। याद किया सर? जब जब पुलिस प्रशासन पर संकट के बादल मंडराते हैं तब तब तुम्हें याद किया जाता है अली। सर जब तक संकटों से दो दो हाथ ना कर लूं हमें भी चैन नहीं मिलता है। इंस्पेक्टर अली, पिछले 3 महीनों से 10 ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्होंने देश को झकझोर करके रख दिया है। हमारी स्पेशल टीम इन्वेस्टिगेशंस कर रही है लेकिन कोई रिजल्ट हाथ में नहीं आ रहा है। हर 15 दिन में दोबारा ये घटना घटती है। जनता में आक्रोश है, इसलिए हमने एक नई स्पेशल टीम का गठन किया है, CIF, क्राइम इन्वेस्टिगेशन फोर्स, जिसमें आप अशफाक अली खान और इंस्पेक्टर हनुमान पांडे, कांस्टेबल शंभू और शार्प शूटर सब इंस्पेक्टर मीनाक्षी काम करेंगी। लखनऊ पुलिस हेडक्वार्टर आपकी टीम का बेस रहेगा। किसी भी व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन से पूछताछ करने का पूरा अधिकार रहेगा आपको। हनुमान पांडे क्यों नहीं आया, वो कहाँ है? भाभी, ऐसे ऐसे सुनसान सड़क पे इतने जेवर पहन के घूमना ठीक बात नहीं है, ख्याल रखिएगा। शुक्रिया भाई साहब। शुक्रिया शुक्रिया, जय राम जी की। सर हनुमान पांडे को हमने कई बार इन्फॉर्म किया है पर मुझे नहीं लगता कि वो वापस पुलिस फोर्स ज्वाइन करेगा। लेकिन क्यों? सर उसकी लाइफ में 3 साल पहले एक भयानक तूफान आया था। तूफान तो आके जा चुका है पर उसकी तबाही अभी भी हनुमान पांडे झेल रहा है। मैं समझ सकता हूं अली, लेकिन तुम और हनुमान इस टीम का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हो। अगर हनुमान नहीं मानता तो क्या तुम अकेले इस मिशन को पूरा कर पाओगे? सर हनुमान के बिना अली अधूरा है, अली के बिना हनुमान। हमने आज तक जितने भी केसेस सॉल्व किए हैं सब साथ में किए हैं सर। एक दूसरे के काम करने का तरीका हम बखूबी जानते हैं। ये केस भी तुम दोनों ही सॉल्व करोगे। तुम हनुमान के पास जाओ, उससे बात करो, उसे बोलो कि पुलिस डिपार्टमेंट को उसकी सख्त जरूरत है, कैसे भी करके उसे मनाओ और मौका वारदात पर पहुंचकर अपनी तहकीकात शुरू करो। बिटिया, काहे अपने पापा को परेशान कर रही है? कहा ना बस 2 मिनट में पूजा खत्म करके तेरी छोटी बना दूंगी। नहीं दादी, आप अच्छी छोटी नहीं बनाते हो। मेरे पापा सबसे अच्छी छोटी बनाते हैं। अगर ऐसा है तो हम ही बना देते हैं अपनी बिटिया की चुटिया। हैं? प्रभु, इन दोनों पर अपनी कृपा बनाए रखना। बन गई हमारी खुशी की चुटिया। जाओ बाहर जाके खेलो। थैंक यू पापा। ओ अरे खुशी। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? जयराम। जैन सर। जैन सर, आप यहाँ? खुशी, आप खेलने जा रही हो क्या?
ठीक है, आप खेलो, मैं मिलता हूँ आपसे। क्या भाई साहब, जैसे बाकी पुलिस वालों को दरवाजे से लौटा देते हो, हम लोग को भी लौटा दोगे क्या? नहीं सर, आइए अंदर आइए। तो जनाब ने सर लगाना शुरू कर दिया है, पराया बना रहे हो हमें? अरे मियां, दोस्त से दोस्त की तरह बात करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा भाई। सर आप भी तो पुलिस फोर्स के साथ आए हैं। अरे ये तो ऐसे ही है। अरे अली बेटा। नमस्ते नमस्ते माता जी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जीती रहो, खुश रहो। बैठो, आज चाय पिए बिना नहीं जाने दूंगी। अरे चाय पीने ही तो आए हम लोग। कैसे हैं आप? ठीक है, मगर तुम्हारे बिना अधूरे हैं। 3 साल पहले तुम्हारे साथ जो हुआ उसका बहुत दुख है हमें यार, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हारे जैसे जांबाज ऑफिसर को खो नहीं सकता। वापस आ जाओ यार। सर आप जानते हैं कि हम वापस नहीं आएंगे। न्यूज़पेपर घर में आता है या बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट चुके हो? ये पिछले 1 महीने के अखबार हैं हनुमान, चारों तरफ पुलिस डिपार्टमेंट की थूथू हो रही है, क्राइम से पूरा अखबार भरा पड़ा है। ये देखो, बलरामपुर में हाईवे के पास एक फैमिली का मर्डर और लूट। ये समस्तीपुर में एक फैमिली के 8 लोगों को मार डाला लूटने के बाद, पुलिस डिपार्टमेंट के पास कोई सुराग तक नहीं है। किस हथियार से ये लोग खून करते हैं इसके बारे में भी कुछ पता नहीं चल रहा है। सर आप तो कहते थे कि जब तक ये दुनिया है क्राइम रहेगा। हाँ कहते थे हम, मगर ये भी कहते थे कि जब तक क्राइम है उसको मिटाने के लिए हनुमान और अली भी आते रहेंगे। अली तो मैदान में है, हनुमान का इंतजार है। 2 दिन पहले हनुमान, 2 दिन पहले ये देखो, आगरा में एक फैमिली की बहुत ही ब्रूटल तरीके से हत्या की गई। मेरे पूरे करियर में इतनी बेरहमी से कत्ल होते हुए मैंने नहीं देखा। अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाओ हनुमान, मोह माया को त्यागो, फिर से कमान उठा लो। इन्हें कोई तो खबर देता होगा, बिना मुखबिरी के ऐसी डकैतियां नहीं हो सकती। पूरे के पूरे परिवार को मार डाला, हस्बैंड वाइफ 8 साल का बच्चा और एक बुजुर्ग, अजीब सा स्टाइल है मर्डर करने का। अब इतना सब कुछ सुनाने के बाद तुमसे क्या उम्मीद करूं हनुमान? दूसरों का दुख बांटोगे तो शायद तुम्हारा भी दुख हल्का हो जाएगा। सर इट्स अ रिक्वेस्ट, आप प्लीज वापस ज्वाइन कर लीजिए। सर अगर मन से आवाज आई तो आएंगे हम, हमें इंतजार रहेगा। सर ये पेपर वापस ले चलने? शंभो तो मेरी मम्मा का नाम था ना। आपको क्या लगता है सर, हनुमान सर मान जाएंगे? मनाना उनको पड़ता है शंभू, जो रूठे हुए हों। मेरा दिल बोलता है, तुम देखना।
सर, जिस तरह से सामान बिखरा पड़ा है और खून के निशान है, तांडव मचाए लुटेरों ने। हम अगर ताज्जुब है, इतना तांडव मचने के बाद भी सबूत हाथ नहीं लगा, ना कोई फिंगरप्रिंट्स, ना हथियार। पेशेवर लुटेरे हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने के बाद सारे सबूत मिटा दिए। और एक बात, पिछले केसेस की तरह इसमें भी दरवाजा खोला गया है, क्योंकि इसकी सिपकिनी में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है और लॉक भी बराबर है। यानी कोई तो है जो इन लोगों को ये दरवाजा खोलने में मदद कर रहा है। सर, मुझे तो लगता है इन सब के पीछे कोई बहुत बड़े गिरोह का हाथ हो सकता है। बिल्कुल नहीं, गिरोह बड़ा नहीं है, छोटा है सर, शायद 2-3 लोगों का। क्योंकि अगर बड़े लोगों का गिरोह होता तो कोई ना कोई गलती जरूर करता। और एक छोटी सी गलती भी हमारे लिए काफी है मुजरिम के गिरेबान तक पहुंचने के लिए। लगता है मीनाक्षी जी ठीक ही बोल रही हैं। देखना पड़ेगा कि यहाँ इस काम को अंजाम देने वाला आसपास का ही कोई है या दूर दराज के इलाके से ये लूटपाट मचा के गया। इस इलाके में जितने भी चोरी डकैती फिरौती मर्डर के मुजरिम हैं सबको उठाते हैं। अब इस केस के सबूत और गवाह वही लोग बनेंगे। अरे एक मिनट हनुमान, ये वॉल में इतना ऊपर था, ये देखो, लगता है यहाँ से कोई कोई बड़ी गाड़ी बड़ी तेजी से निकली है यहाँ से, तभी ये कीचड़ उठे यहाँ दीवार पे। बड़ी गाड़ी? सर हमारी गाड़ी बड़ी मुश्किल से आई है यहाँ पे, और वैसे आगे रास्ता बंद है। तो बड़ी गाड़ी आई कहाँ से? मोबिल ऑयल की स्मेल तो है, और ये निशान थोड़ा बड़ा है, गाड़ी तो कोई बड़ी ही होगी। फिर हादसे के बाद तो यहाँ पर पुलिस वैन और एम्बुलेंस आई है। एम्बुलेंस के टायर के मार्क और पुलिस वैन के मार्क से ये बड़ा निशान है। एक काम करो, इस टायर की डिटेल लो और पता करो कि किसका टायर नया है कि पुराना है। सर, इस फैमिली में एक नौकर भी था, पड़ोसियों ने बताया हमें। नौकर का तो कोई अता पता नहीं। यहाँ के लोकल क्रिमिनल्स को पकड़ के देखते हैं कुछ हाथ लगता है क्या। आप हमारी जान भी ले लोगे तब भी हम यही कहेंगे हमने तो कहती नहीं की। काँ, काँ। यखनी बुलावे, बड़ा लजीज बुलावे। मालूम तो तुम लोगों को सब रहता है। कौन है? बोल। मैं सही कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। देखो मियां, मार पीट पे ज्यादा हम भरोसा करते हैं, इसलिए जो कुछ पूछ रहे हैं प्यार मोहब्बत से बता दो। साहब यखनी पुलाव की कसम, मेरे को कुछ भी नहीं पता। शंभू, इन सब के एड्रेस नोट कर लो और जाने दो। चल, बड़ी अजीब बात पता चली, ये सारे क्रिमिनल्स ज्यादातर एक ही गांव के, पधारोपुर। पधारोपुर? तो इस गांव में सारे क्रिमिनल्स ही हैं क्या? लगता तो है सर। तो हो सकता है और भी क्रिमिनल्स होंगे वहाँ। जी सर। तो लगा दो अपने खबरियों को काम पे। भैया चाबी,
हमको हमारा हिस्सा दे दो, हम चले जाएंगे। तुम ट्रक में छुप के बैठो, हम अंदर जाके आते हैं। जो भी लूटेंगे तुमको आके दिखाते हैं। इतनी गहरी नींद जो सोएगा, अपना चैन सुकून माल सब खोएगा। बिथन भूख लगी है, कुछ पेट पूजा हो जाए, फिर बाद में हुआ काम दूजा। चल कुछ तैयार है, आज अभी रिटन। अनिल बेटा, तुम लोग हो क्या? कौन कौन हो? कौन हो तुम लोग, बोलते क्यों नहीं? कौन हो? म्याऊ म्याऊ। दादी दादी, कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग, बोलो कौन हो? अनिल, एकदम चुप चुप। देख नहीं सकती बेचारी, हालात तो की मारे। दादी अम्मा, दादी अम्मा, इसका तो हो गया काम तमाम। अब हम लोग करते हैं अपना काम। ये सब कुछ खाना खा रहे थे जब लुटेरों ने उन पर हमला किया। पर सर, खाना भी बड़ी हड़बड़ी में खाया है, कुछ खाया है कुछ बिखेरा है, अजीब। सर ये भी तो हो सकता है कि हमले के बाद अपनी जान बचाने के चक्कर में ये लोग इधर उधर भागे होंगे, उसी चक्कर में खाना बिखर गया होगा। हो सकता है, पर ये भी हो सकता है कि ये खाना उन मजरिमों ने खाया। ये प्लेट ग्लास जितना कुछ भी है ना, सब फॉरेंसिक वालों को बोलो कलेक्ट करने के लिए। सर अली हियर, व्हाट? ओ आई सी, ठीक है हम लोग पहुंचते हैं। या थैंक्स। चाचा, जीवन भर हम कर सकते हैं ऐश,
हमारे पास है इतना कैश, फिर क्यों हम लोगों को हैं मारते, क्यों अपना रौब छाड़ते? क्यों? जब भी मुझे देख किसी की आंखों में डर नजर आता है, भगवान कसम मुझे बड़ा मजा आता है। मेरी दिली तमन्ना है कि लोग मुझे देख के डरते रहे और मेरे हाथों से ऐसे ही मरते रहे। मोहल्ला दे बनारस की साड़ी बनाऊं। डर, बस डर बिटन, डर में जो मजा है और कुछ भी नहीं। ऐसा तो है मेरे नाल, बस डर। माँ जी प्लीज रोइए मत, संभालिए अपने आप को। लोगों ने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया, मेरी दुनिया उजाड़ दी। अब इस आंधी का इस दुनिया में कोई सहारा नहीं बचा। माँ जी हम समझ सकते हैं आप पे क्या बीत रही है, मगर अगर आप चाहें तो हमारी मदद करके उन खूनियों को फांसी पे चढ़वा सकती हैं आप। क्या मदद करूं? आंखों से लाचारू। वो लोग बातें क्या कर रहे थे? आपस में कुछ तो बात कर रहे होंगे। बात तो कर रहे थे। क्या? शायद 3-4 लोग होंगे। तुम में से दो लोग ऐसी बात कर रहे थे जैसे कविता पढ़ी जाती है। कहते हैं इसकी स्वर्ग जाने की तैयारी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। माँ जी जिसने भी ये सब किया है बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगा। आप हौसला रखिए प्लीज। आलिसा, इस औरत का कहना है कि वो लुटेरे 3-4 लोग थे और आपस में कविताओं में मतलब गागा की बात कर रहे थे। गागा की बात कर रहे थे? मियां ये कोई कोड वर्ड में तो बातें नहीं कर रहे थे जिससे इनकी बातें किसी को पता ना चले। वो टायर के निशान और ये लुटेरे कविताओं में बात कर रहे हैं, इसका आपस में क्या कनेक्शन है ये पता करना होगा। शंभू और मीनाक्षी को भेजे। दो से तीन घरों के बाहर जहां ऐसी वारदातें हुई है वहां ट्रक के टायर के निशान मिले जो एक जैसे हैं। इन सारे केसेस को एक साथ जोड़ के देखा जाए तो कुछ कॉमन बातें सामने आती हैं। जिन घरों में यह हादसा हुआ दरवाजा तोड़ा नहीं गया, खोला गया है, वहां पे हमें खून और लाशों के अलावा कुछ नहीं मिलता। और घर के जो नौकर है वो कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ कुछ पता नहीं। मियां यही लगता है ये जो नौकर नहीं मिले है ना, नौकरों का ना मिलना यही इशारा करता है कि शायद नौकरों ने ही घर का दरवाजा खोला है। या तो इन लोगों के साथ ये नौकर फरार हैं, या फिर काम हो जाने के बाद इन नौकरों को भी ठिकाने लगा दिया गया है। मतलब सर इन्फॉर्मेशन नौकरों ने लीक की है। लगता तो बिल्कुल यही है। ये लोग हैं कौन, कहां से आए कुछ पता नहीं चल रहा है। हमने जेल के कैदियों के और जो जेल के अंदर है और जो जमानत पे छूटे हैं उनके उंगलियों के निशान चेक किए, किसी के उंगलियों के निशान मैच तो नहीं हो रहे। यार ये भी हो सकता है कि अपराधी इनमें से कोई हो ही ना, कोई नया अपराधी हो, कोई नया शिकारी जो अभी तक पकड़ा नहीं गया, इसीलिए उसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। सर हमने कई जगह पूछताछ की, एक जगह पे हमें ये सीसीटीवी फुटेज मिला है, हमने चेक कर लिया कुछ नहीं मिला। आप देख लीजिए।
कह रहे हैं ना सर, कुछ नहीं है। एक मिनट पॉज करो, थोड़ा रिवाइंड ले। अब ये जो बाइक है ना, इसके मिरर पे जूम करो। गुड, अब इस नंबर पे जूम करो। क्या बात है सर, मिल गया टायर के निशान का जवाब, और ये उन हत्याओं से लगभग 20 मिनट पहले का है। इस ट्रक की कोई कहानी है? शंभू, ये नंबर नोट करो और पता करो ये ट्रक किसका है, जल्दी। एक बात और सर, पुराने केसेस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स चेक की है मैंने, उनमें से एक मरने वाले के सर पे एक अजीब सा निशान है। उसके सर पे दो घाव है जिसमें धारियां बनी हुई है, और वो लगभग 1.5 इंच की दूरी में है। वेपन का इशारा मिलता है सर। 1.5 इंच की दूरी, ट्रक के टायर का निशान, वारदात से 20 मिनट पहले ट्रक का वहां से गुजरना, और ऐसा जख्म। मुझे लाश के सर पे दो चोट के निशान मिले हैं, उसके बीच की दूरी 1.5 इंच है। इसका मतलब ऐसे किसी हथियार से उसके सर पे वार किया गया था, इसीलिए उसके घाव के बीच में ये लंबे लंबे धारियां हमें मिली। ट्रक के टूल्स को हथियार बना के मर्डर कर रहे हैं ये लोग, लग तो कुछ ऐसे रहा। हाँ, तभी क्राइम सीन से कभी भी हथियार बरामद नहीं हुए पुलिस को। सर, उस ट्रक के नंबर का पता चल गया, वह नंबर ट्रक का नहीं है, बाइक का है। बाइक का नंबर ट्रक पे है, इसका मतलब ये ट्रक चोरी की है। वो लोग जैसे कविता पढ़ी जाती है वैसी बात कर रहे थे। पर मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि ये ट्रक का ड्राइवर ये गा के बातें करना, ऐसे पहले तो कभी सुना नहीं यार। पहले भी बहुत पहले ऐसा सुना था मैंने, ये 1920 में जो ठग्स वगैरह होते थे ना, वो लोग भी गा के मारते थे लोगों को और लूट लेते थे। सर, गा के तो नौटंकी और रामलीला वाले बातें करते रहते, बचपन में हमने बहुत देखी है रामलीला। अरे शंभू मियां, रामलीला और नौटंकी बाद में देखेंगे, पहले एक काम करो, पिछले 2 साल में जितने भी ट्रक चोरी हुए हैं ना, सबकी डिटेल्स निकालो। आपके यहाँ से जो ट्रक चोरी हुआ था उसकी डिटेल्स चाहिए हमें, कौन चलाता था वो ट्रक? मैडम, ट्रक को तो बिहार में लूटा गया था, ड्राइवर को भी मार दिया गया था, ट्रक का आज तक कुछ पता नहीं चला, और हमारे इंश्योरेंस के भी पैसे नहीं मिले। अगर आप लोग थोड़ी मदद कर देते। देखो भाई, हम यहाँ पूछताछ करने आए हैं, तुम्हारे इंश्योरेंस के पैसे लौटाने नहीं, समझे? चलो मीनाक्षी। चलिए मैडम। अर्ज किया है, ज्यादा दारू पी के खराब हो रहा है लेबर, चढ़ रहा है मुझको फेवर। तैयार हो जाओ बाहुबली, आज रात की है तैयारी, डॉक्टर का घर लूटना है, वही डॉक्टर बिहारी। नून रोटी ना खाएंगे, डॉक्टर का घर उड़ाएंगे, ठीक है? ठीक है। एक क्लीनर था सर, अजीब सा आदमी था, मेरे ही सामने उसका ड्राइवर का झगड़ा हुआ, मैंने सोचा वहीं बात खत्म, लेकिन उसने सारी बातें दिल में दबा रखी थी, और एक दिन हाईवे पे ड्राइवर की लाश मिली, और उस दिन से क्लीनर का कुछ पता नहीं। उस क्लीनर का कोई आईडी है आपके पास? नहीं सर, उस ड्राइवर ने ही रखा था, मैंने सोचा उसके जानने वाला होगा, इसलिए मैंने कुछ आईडी वगैरह नहीं लिया। अम्मा क्या करते हो मियां तुम, बिना आईडी के किसी को भी काम पे रख लेते हो, पुलिस कैसे गिरफ्तार करेगी उसे? गलती तुम लोग करते हो, भुगतना हमें पड़ता है। साहब कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा मालूम नहीं था। कुछ
कुछ और बता सकते हो इस क्लीनर के बारे में? कुछ याद है? हाँ सर, छुट्टन नाम था उसका, और यहाँ आने से पहले वो नौटंकी में काम करता था। अब पता नहीं हर बात गागा कर कविता में बोलता था सर। दो लोग ऐसी बात कर रहे थे जैसे कविता पढ़ी जाती है। क्या है ध्रुव? ये लोग आपसे मिलने आए हैं। मुझसे भला मिलने कौन आएगा भाई? जय राम जी की चाचा। राम राम बेटा, राम राम। कौन है आप लोग? हम हनुमान पांडे। राम अली। हम लोग पुलिस वाले हैं, आपसे कुछ मदद चाहिए थी हमें। पुलिस? मैं भला पुलिस की क्या मदद कर सकता हूँ? एक्चुअली हम एक आदमी को ढूंढ रहे हैं जो गागा के बातें करता है। हमने सुना वो नौटंकी में काम करता था, शायद आपके साथ कुछ आपको याद हो तो। छुट्टन नाम था उसका। अरे हाँ, रुको बेटा, मैं अभी आता हूं। ये रहा छुट्टन का फोटो। बड़ा जुनूनी था, नौटंकी में मेन रोल करने के लिए साथी एक्टर से बहुत झगड़ा करता था। अरे नौटंकी की उसको ऐसी लत लगी थी कि गा गा के कविता में बात करता था। गरीब घर का था बेचारा। अब नौटंकी से पैसे कमाना बहुत मुश्किल हो रहा था उसे। फिर हमारी नौटंकी कंपनी बंद हो गई, सारे कलाकार बेरोजगार हो गए। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था कि किसी की मदद कर पाता। अब छुट्टन फिर कहाँ चला गया मुझे नहीं पता। तो बाबा, ये छुट्टन रहने वाला कहाँ का था आपको मालूम है? हाँ हाँ बेटा, पधारोपुर गांव का था वो, तो गोंडा के पास है कहीं। थैंक यू वेरी मच बाबा, ये कुछ हमारी तरफ से। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, आप रखिए रखिए, हमें अच्छा लगेगा प्लीज। छोटो, आप पढ़ाई करते हो? हाँ, स्कूल जाते हो आप? बहुत प्यारा बच्चा है, आज से इस बच्चे की जिम्मेदारी हमारी। जुग जुग जियो हनुमान अली। ये लोग हमें ऐसे क्यों घूर रहे हैं? जैसे खा जाएंगे। चने चने, अरे बहन जी चने। अच्छा ये बताएंगे जरा आप, ये यहीं कहीं गांव में रहते हैं क्या? शुक्रिया भैया। जयराम जी की जरा ये फोटो देखा, पहचानते हो उसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे गांव में आने की? पता नहीं है यहाँ पुलिस का आना मना है? देखो, तुम हमें हमारा काम करने से रोक रहे हो। पुलिस कहीं भी आ जा सकती है, किसी से भी पूछताछ कर सकती है। सुनो, हम लोग गांव वालों को तकलीफ नहीं देना चाहते, हमें हमारा काम करने दो।
कोई बात नहीं चाचा, चाचा पुलिस आ गई है, सारा समय इसके भागो, चलो 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 जल्दी करो चाचा। पकड़ सके हमें कोई, ऐसी कोई जात नहीं, पुलिस हमारा क्या बिगाड़ेगी, उसकी कोई औकात नहीं। चाचा शायरी ना करो, मान लो जा रहे पंछी हुआ अब देश बेगाना। ए बाबू जरा फोटो देखो, इन मासे को पहचानते हो? ये तो अपना छुट्टन है। छुट्टन कहाँ मिले गए? ये वो है। थैंक यू शुक्रिया। अरे पंछी इधर, चाचा इधर, पुलिस उधर है। अब देश बेगाना। छुटन गोली की तरह दौड़ा, जहाज बना दूंगा चाचा, ट्रक के पीछे लिखवाए हैं, हमसे जो आगे जाएगा नरक में जाएगा। अरे नरक में तो सब जाएंगे, चलो उड़ जा रहे पंछी। अली सर किस तरफ गए? हाँ सर, अली सर का फोन ईट भट्टी से 15 किलोमीटर दूर आम के बाग में क्लोज हुआ है। 15 किलोमीटर दूर आम के बाग में?
मासूमों की जान ली है तुम लोगों ने, अब ये लूट का माल तुम लोगों को फांसी के फंदे तक पहुंचाएगा। फांसी के ये फंदे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, देखना ये छुट्टन और बिट्टन जल्दी भाग जाएंगे। ये हनुमान और अली की जोड़ी है, जिसकी गर्दन पकड़ी हमने फिर ना कभी छोड़ी। वादा करते हैं तुमसे कि फांसी पे तुम्हें चढ़वाएंगे, जितने मासूमों को मारा है तुमने उन्हें इंसाफ दिलाएंगे।